चलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A30s का नया अपडेट आया, और इस नए अपडेट में आपको क्या मिलने वाला है आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल SI टेक में। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ नीचे या ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको ऊपर दिख जाएगा कि एक नया सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल आपको दिख रहा होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल। ये अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ जाना है डाउनलोड सॉफ्टवेयर अपडेट में, और यहाँ जाना है डाउनलोड इंस्टॉल में। यहाँ पर आपको चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ चेक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा एक नया अपडेट आया है जो कि है 167.11 MB का। ये अपडेट आया है, इस अपडेट में आपको मई की सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी पेज लेवल मई की यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पर दिखा गया है इसको पहले तो होने देते हैं डाउनलोड, उसको होने देते हैं डाउनलोड। यहाँ पर क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड डिवाइस स्टेबिलिटी इज इम्प्रूव्ड न्यू एंड इनहांस फीचर फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस। मतलब कि इसमें कोई मेजर चेंजेस तो नहीं आया है, बट यहाँ पर बग्स को फिक्स किया गया है और कुछ इनहांस फीचर को इम्प्रूव किया गया है। और अगर कोई भी नया अपडेट आया है, जैसा कि मैं हर वीडियो बताता हूँ, कोई भी नया अपडेट आता है तो उसमें फ्यूचर अपडेट्स के साथ कुछ बग्स को यहाँ पर फिक्स किया जाता है। तो ये हो चुका है मेरा डाउनलोड, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे मोबाइल में अभी कौन सी यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपलोड है। तो मैं यहाँ पर आपको ले जाता हूँ अबाउट फोन में, अबाउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ले जाता हूँ मैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे अभी यहाँ पर 1 नवंबर 2021 की यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है। तो अब इसको अपडेट कर लेते हैं। वापस आ गया हूँ यहाँ पर, अब डाउनलोड इंस्टॉल में चला गया हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। और जब भी मैं कहता हूँ कि जब भी अपडेट रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ जब भी आप अपने मोबाइल को अपडेट करें तो आपका मोबाइल वहाँ पर चार्ज होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि सिक्योरिटी पैच में कौन सा आया है। तो उसको होने में देते हैं, इसको लगेंगे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी ले सकते हैं, तो उसको होने देते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट और इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मैं अब कर लेता हूँ यहाँ से उसको अनलॉक। जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूंगा तो आप देखेंगे वहां पर एक प्रोसेस चलेगी और आपको बता देगा कि आपका मोबाइल यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो सिंपल सा यहाँ पर मैंने कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया, योर फोन हैज बीन अपडेटेड। मतलब फाइनली अपडेट हो चुका है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वापस इसकी सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे, अबाउट में जाने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर हो चुकी है, जो कि यहाँ पर 1 मई 2022 की हो चुकी है। मतलब कि लेटेस्ट अभी इसी मंथ की आ चुकी है, और साथ में 1UI में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 1UI 3.1 का 1 है, मतलब कि ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ, खाली सिक्योरिटी को यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है। तो यही यहाँ पर जो अपडेट था वो यही आया था, जैसा कि उन्होंने उस अपडेट में मेंशन भी करा था कि हमने यहाँ पर कुछ नए चेंजेस तो नहीं दिए, बट हमने यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ बग्स को फिक्सेस किया गया है और कुछ इनहांस नए फीचर को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो फिलहाल तो दोस्तों यही मुझे अपडेट लगा कि इसमें सिक्योरिटी चेंजेस हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि मुझे कुछ लगे इसमें कुछ नए फीचर्स एड ऑन हुए हैं, तो मैं आपको जरूर उसमें वीडियो बना के बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि इस अपडेट में कुछ नए फीचर एड ऑन हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM करके भी बता सकते हैं, और चाहे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के वीडियो को बहुत लोग देखते तो हैं, बट उसमें से 99% या 98% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सैमसंग से रिलेटेड आपको नेक्स्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।